बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू नॉलेज सिंडिकेट। आई एम योर टीचर खिज़र जावेद। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, Z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने वेरीफाई करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, मतलब कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को हम लोग किसी तरह से भी ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब कि अब इसमें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में Z2 प्लस Z3 को पहले ऐड करना है, ब्रैकेट वाली टर्म को पहले सॉल्व करना है, फिर उसका रिजल्ट जो आएगा उसको Z1 के साथ ऐड कर देना, और राइट हैंड साइड में पहले हम लोगों ने Z1 प्लस Z2 को सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोगों ने उसके रिज़ल्ट को Z3 के साथ ऐड कर देना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू, अब Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1 प्लस आयोटा प्लस, अब हमारे पास Z2 की वैल्यू क्या है? हमारे पास Z2 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2 आयोटा प्लस, और Z3 की हमारे पास वैल्यू क्या है? 2 प्लस 3 आयोटा। अब ब्रैकेट वाली टर्म को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। -1 प्लस आयोटा उसी तरह से प्लस 3, और रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है? 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 5, माइनस प्लस माइनस बड़ी रकम का साइन प्लस 2 प्लस 2 माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? आयोटा, सिर्फ आयोटा रह जाएगा हमारे पास। अब हम लोगों ने ब्रैकेट हटा देनी है। -1 प्लस आयोटा प्लस 5 प्लस आयोटा। तो अब हम लोग रियल पार्ट रियल में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 प्लस आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 आयोटा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड लेनी है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1 प्लस आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 माइनस 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज प्लस Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो 3 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बड़ी रकम का साइन कौन सा है? माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? माइनस प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम लोग ब्रैकेट को हटा देंगे। 2 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, और ये क्या आ जाएगा? बड़ी रकम का साइन कौन सा है? प्लस 2 आयोटा, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी हमारे पास? Z1 मल्टीप्लाई Z2
मल्टीप्लाई जेड थ्री इक्वल टू जेड वन मल्टीप्लाई जेड टू मल्टीप्लाई जेड थ्री। इसमें भी हम लोग जेड वन मल्टीप्लाई जेड टू मल्टीप्लाई जेड थ्री इक्वल टू जेड वन मल्टीप्लाई जेड टू मल्टीप्लाई जेड थ्री, इस प्रॉपर्टी में भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें भी हम लोग पहले क्या करेंगे, जेड टू और जेड थ्री को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोगों ने जेड वन से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल टू के दूसरी साइड में हम लोगों ने पहले जेड वन जेड टू को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसने हम लोगों ने जेड थ्री से मल्टीप्लाई करना है। आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जेड वन मल्टीप्लाई जेड टू मल्टीप्लाई जेड थ्री इक्वल्स टू जेड वन की वैल्यू डालेंगे, अब जेड वन की क्या वैल्यू हमारे पास, माइनस वन प्लस आयोटा। तो इसी तरह से अब हमारे पास जेड टू की वैल्यू क्या है, थ्री माइनस टू आयोटा, और जेड थ्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, टू प्लस थ्री आयोटा। अब इसमें हम लोग पहले ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, माइनस वन प्लस आयोटा, उसी तरह से इस थ्री को हम लोग टू से भी मल्टीप्लाई करेंगे, उस थ्री को थ्री से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई थ्री प्लस नाइन आयोटा। अब इस माइनस टू आयोटा को टू से भी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस टू आयोटा को थ्री से भी, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास, टू टू ज़र फोर आयोटा, माइनस प्लस माइनस, टू थ्री ज़र सिक्स, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस वन। माइनस वन प्लस आयोटा उसी तरह से सिक्स प्लस इंटू माइनस, माइनस बड़ी रकम का साइन क्या है हमारे पास, प्लस, तो नाइन आयोटा माइनस फोर आयोटा फाइव आयोटा, माइनस माइनस प्लस सिक्स, माइनस वन प्लस आयोटा उसी तरह से सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन को ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस आयोटा को ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्वेल्व इंटू माइनस वन माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस माइनस, फाइव वन ज़र फाइव आयोटा। अब इस आयोटा को हम लोग ट्वेल्व से भी और आयोटा को फाइव से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आयोटा को ट्वेल्व के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेल्व आयोटा प्लस 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 हो जाएगा, और फाइव आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस वन, यहाँ पे आएगा ट्वेल्व आयोटा। अभी हमारे पास हो जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस, ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस, फाइव इंटू वन फाइव। अब हम लोग रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बड़ी रकम का साइन क्या है हमारे पास, माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वेल्व माइनस माइनस ट्वेल्व माइनस फाइव हो जाएगा माइनस सेवनटीन प्लस सेवन आयोटा, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन वन। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, जेड वन मल्टीप्लाई जेड टू मल्टीप्लाई जेड थ्री। अब जेड वन की हमारे पास वैल्यू क्या है, माइनस वन प्लस आयोटा, और जेड टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, थ्री माइनस टू आयोटा, और जेड थ्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, टू प्लस थ्री आयोटा। अब इसी तरह से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री माइनस टू आयोटा को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा टू वन ज़र टू आयोटा। अब इस आयोटा को हम लोग थ्री से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को माइनस टू से भी मल्टीप्लाई, माइनस टू आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आयोटा इंटू थ्री प्लस थ्री आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास टू आयोटा का स्क्वेयर, तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस वन।
टू प्लस थ्री आयोटा, उसी तरह से। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस थ्री उसी तरह से जो हो जाएगा हमारे पास प्लस फाइव आयोटा, माइनस माइनस प्लस टू वन ज़र टू, टू प्लस थ्री आयोटा भी उसी तरह से। अभी हमारे पास हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन प्लस फाइव आयोटा, टू प्लस थ्री आयोटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टू प्लस थ्री आयोटा को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू प्लस माइनस माइनस थ्री आयोटा प्लस प्लस प्लस, तो ये फाइव टू ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन आयोटा प्लस 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 फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस टू माइनस प्लस माइनस, बड़ी रकम का क्या साइन है, प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेवन आयोटा प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन वन ज़र फिफ्टीन। ये हमारे पास अब आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो बड़ी रकम का साइन माइनस ही लगेगा, सेवनटीन माइनस सेवन आयोटा, सेवन माइनस सेवनटीन प्लस सेवन आयोटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।